थाने आए, थाने आके रिपोर्ट लगाए, रिपोर्ट लगाए, 3-4 बजे वापिस कर दो, पर दो के अंदर एक जन पकड़ाया, उनका रिपोर्ट लिया, दो आज के आज में छूट भी गए और आके तो बाद में हमला कर आज शाम को, और चार लड़की थी, एक मना हो जाएगी, दो दो लड़की थी, एक लड़का था मेरे यहाँ टेबल वो भी सर के पास वहाँ घुस के रिपोर्ट क्यों लिखा है, बस वही कहना था उन लोगों का। वही लोग वही लोग थे, एक लड़का था और राकेश मारा, रिपोर्ट भी लिखा था, उधर का बंद हुआ करिए सामने, फिर और दोबारा आके और बोलने में घूम रहे, पहले भी करे, एक दो महीने के बाद भी करे, जो भी लड़के खड़े ना उनको सबको मार रहे थे, उनको मैं खड़ी थी, मेरे ऊपर भी डंडा उठाया, मारने के लिए ले जाऊंगी पुलिस थाने, मैंने ये भी पुलिस को चमकाई, दो तीन लड़के, हाँ दो तीन लड़के भी खड़े थे, तो मैंने सबको बचाई ऐसे हाथ करके, पूरे मुस्लिम लोग थे, पूरे लड़के लोग थे, कहाँ के आकर सब सबके मोहल्ले में, उसके भाई क्या कर रहा है, उसके भी दरवाजे पे आ रहे हैं, मैं पहचानती मैं नहीं हूँ, मैं पहचानती नहीं हूँ, लड़के बहुत थे, अब किसको हम जानेंगे, किसको जानेंगे, और जो पूछे थे ना वो लोग जानते हैं, हम शाम लंदन में जाते फोन किया रहा, हम रोज के जाने जाते हैं, लड़की बच्ची पहचान तुम लोग रोज के कमाने खाने वाले, उनके माँ बाप पहले भी कोई पहली घटना नहीं, मैनपुरू में आप देख रहे हैं विगत 1.5-2 वर्षों में 7वीं-8वीं घटना है, हर घटना के बाद यही छावनी थाना है जहां पर हम सब न्याय के लिए प्रशासन के समक्ष आते हैं, लेकिन हर बार एफआईआर होता है और प्रशासन हमें हर देते होता जाता कुछ भी नहीं है, हिंदू समाज संगठित समाज है, सौहार्दपूर्ण वातावरण जो हमारे भिलाई का है, कैंपू का, उसे बिगाड़ने का प्रयास एक समाज विशेष वर्ग के लोग कर रहे हैं, आए दिन वो लड़के तलवार लेकर घूम रहे हैं, मंदिरों पर पत्थर से हमला कर रहे हैं, झंडे को तोड़ने जलाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी बहन बेटी माताओं के साथ गली गलौज और मंदिरों पर को छेड़ने का प्रयास कर रही है, मंदिरों पर मंदिर भी तोड़े हैं, मंदिर भी तोड़े हैं, वो फोटो वीडियो हमारे भाइयों के पास है जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, वो ग्रिल पहले गाड़ी पत्थर पड़ा हुआ है, फोटो वीडियो भी है, पत्थर पड़ा हुआ है और मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया है, आए दिन वहाँ बहनों के साथ छेड़खानी का प्रयास हो रहा है, आखिर उन पर कड़ी कार्रवाई होती क्यों नहीं, प्रशासन अभी हमें कह रहा है कि आप सब घर जाइए, कार्रवाई हो जाएगी, पहले भी तो आए हैं, पहले भी तो आए हैं, इसलिए थाने में आए हैं, न्याय की गुहार हिंदू समाज के लोग प्रशासन की समझ करते आए हैं, जैसा बता रहे लगातार ये घटनाएं हो रही है, जो इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं, आज आप लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या डिमांड है और कब तक यहाँ रहने वाले हैं? थाना प्रभारी महोदय जी ने कहा है कि कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन हम केवल आश्वासन नहीं चाहते, हम कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, वरना हम भी वही चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं, कड़ी कार्रवाई हो, सब यही रहेंगे जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती, उनकी गिरफ्तारी हो, और कार्रवाई के नाम पर केवल हिल हवाला लिपापोती नहीं चलेगी, कड़ी कार्रवाई के नाम पर गैर जमानती धारा लगे, कड़ी कार्रवाई हो, जिला बदर जैसी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, समाज यहाँ संगठित और शांतिपूर्ण रहना चाहता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके आगे अगर कोई बड़ा आंदोलन होता है तो फिर उसमें भी तैयार है, बड़े आंदोलन के लिए हमारी बहनें माताएं कह रही है साथ है, ये जीना इनका दुबार हो चुका है, कड़ी प्रताड़ना से गुजर रहा है, इनकी मानसिक स्थिति को समझा जाए कि आज महिलाओं को भी बहन बेटियों को भी आज थाने आना पड़ा है, तो इनके इनको कितना परेशान होना होगा, समाज कितना सहेगा, हिंदू समाज अपनी रक्षा करने के लिए सक्षम बगल में एक छोटा सा मंदिर था, एक हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ भी सामने में कुछ अंदर तो नहीं लेकिन बाहर का जो गेट है उसमें तोड़ फोड़ किए हैं, उस पर से हम जो
बड़ी धाराएं हैं उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें अभी अब FIR हो चुका है सभी लोगों को, उसमें दोनों पक्ष के लोग हैं। विवाद तो काफ़ी दिनों से इनके बीच दोस्ती आ रही थी आपस में, विवाद के बीच लेन देन को लेकर है, रुपये पैसे और शराब पीने को लेकर है, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जो इनकी लड़ाई है आपस में वो मंदिर में नुकसान पहुँचा है, जिसके कारण हम छेड़खानी, घर में बलात् घुसने का और धार्मिक भवन ठेस पहुँचाने का अपराध कायम किए हैं। और अभी हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और लोकल टीम लगी हुई थी, जिसमें दो आरोपी जो जिस पर ज़्यादा दबाव वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उनको हिरासत में रखा गया है, और बाकी दो अन्य हिंदू लड़के जो हैं उन्होंने जमान से उनकी भी पतासाजी की जा रही है। स्थिति आपको लग रहा है? नहीं, सांप्रदायिक उन्माद होगा तो हम उसको देखेंगे, निश्चित तौर पर कंट्रोल करेंगे, लेकिन इसमें जो ऐसा नहीं कि एक ही पक्ष के लोग हैं, दोनों दो लड़के हिंदू से दो लड़के मुस्लिम। सर क्षेत्र में बल तैयार अभी तैनात कर रहे हैं क्या क्षेत्र में? हाँ, तैनात हम सब तैनात हैं। सर उसमें क्या लगता है, पुराना मामला है क्या ये? आपस में शराब पीने और छोटे पैसे के लेन देन को लेकर। कितना है?